Hi guys, this is Ankara from General Study Channel. Don't mug up, try to build up rational and logical study. तो बात करते हैं कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्यों में से है जी। तो कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश क्या है जी, आपको शीर्ष पे है। देखिए तो सबसे पहले कौन है जी, सबसे ऊपर कौन सा है जी, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे पूछा है तो केवल एक ही आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा जी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर चुके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। और अगले क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं जी। टू हो गया, उस राज्य योजना का नाम क्या है जिसके तहत उड़ीसा सरकार राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए दस हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा की है। तो कौन है जी, कृषि असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन योजना स्टार्ट किया गया है जी। यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं, इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, इसका नाम कालिया हो जाएगा, KALIA, ये कालिया हो जाएगा जी। तो कालिया से देख सकते हैं, कालिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन हो जाएगा जी। बात की जाए तो किस कौन सी सरकार की है जी, तो ओडिशा की सरकार की है। तो ओडिशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण जो है वहाँ पे ऑपरेशन ओलिवा स्टार्ट किया गया है हमारे इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा जी। और इससे पता चलता है कि ओलिवा जो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ है जी, तो ओडिशा में है। ओलिव टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, तो ओडिशा में पाए जाते हैं जी। चलिए अगले इसी में है, सौर जल निधि योजना उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट की है जी। प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली भी उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट की है जी। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है जी, तो उड़ीसा में है। फीमेल को 33% जो रिजर्वेशन का प्रावधान उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट किया है जी। पीपल इनेबलिंग एम्पावरमेंट एंड इनेबलिंग ट्रांसपेरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी भी उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट किया है जी। बात की जाए उड़ीसा के स्टेटिक के बारे में, तो वहाँ कोणार्क सन टेम्पल है। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है जी। उड़ीसा के नवीन पटनायक CM है और भुवनेश्वर क्या है जी, वहाँ का कैपिटल है। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग इतना सब कुछ जाने, इससे हमको पता चल, देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में, स्टेट हो या कंट्री हो, उसके बारे में जानना क्या होता है जी, ज़रूरी होता है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप भी इस वीडियो को रोक कर एक बार रिवीजन करें और देखें जी क्या है इसके बारे में, और उसको याद करने की मेमोराइज करने की कोशिश करें जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है जी, किसके जयंती पर मनाया जाता है जी, तो आपको भी पता होगा जी, आर्यभट्ट श्रीनिवासन रामानुजम के, कौन सा जी, तो आर्यभट्ट श्रीनिवासन रामानुजम के जन्मदिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बात की जाए तो ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहले फेलोशिप लेने वाले पहले भारतीय थे जी, तो इनके ही जन्मदिन पे क्या मनाया जाता था, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है जी। तो कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास रामानुजम आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4, प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 की शुरुआत कहाँ हुई है, तो प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 की शुरुआत कहाँ हुई है जी, तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत कहाँ हुई, मुंबई में हुई है। कहाँ हुई है जी, तो मुंबई में हुई है। तो मुंबई के बारे में कुछ लोग याद कर लेते हैं जी, प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 मुंबई में स्टार्ट हुआ है, और समापन कहाँ होगा जी, बेंगलोर में होगा। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के CM ने स्मार्ट नामक पहल स्टार्ट की है जी। चौथी नीति आयोग विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में खोला गया है जी। हसमित कौर बादल ने महाराष्ट्र में दूसरा मेगा फूड पार्क स्टार्ट किया है जी, उद्घाटन किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा एडिशन पुणे में हुआ है। मुंबई में ठीक है जी, भारतीय उल्लू महोत्सव कहाँ हुआ है जी, तो भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में हुआ है। पुणे के कोर्ट एक ऐसा पहला कोर्ट बन गया है जो ई भुगतान प्रणाली को क्या किया है, लागू किया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन, नीति आयोग की बेस लाइन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो नीति आयोग क्या है जी, इतने बेस लाइन सूचकांक
किया है, इंडेक्स निकाला है, जिसमें केरल जो है पहले स्थान पे है जी। केरल जो है उसमें पहले स्थान पे है जी। तो इसमें 64 जो कंटेंट लिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको बेस लाइन सूचकांक स्टार्ट किया गया है। बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, केरल के बारे में पहले जान लेते हैं जी। केरल के सीएम कौन है जी? तो पी नरई विजयन है, पी सतीश सिवन यहाँ के गवर्नर है, तिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल है जी। स्माइलर वर्चुअल टूर गाइड जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। गौ समृद्धि प्लस स्कीम भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जी। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो उद्घाटन किया गया है जी यहाँ पे। बात की जाए तो नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते जी। तो नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर ऑल ग्लोबल हैकथॉन स्टार्ट किया गया नीति आयोग द्वारा। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का थर्ड एडिशन जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है जी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग के सीईओ कौन है जी? अमिताभ कांत है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है जी? वाइस चेयरमैन कौन है जी? तो राजीव कुमार है। यहाँ के पहले प्रथम सीईओ कौन है जी नीति आयोग के? अमिताभ कांत है। करंट कौन है जी? नहीं, प्रथम अनुबीर पंगड़िया है, अभी कौन है जी? अमिताभ कांत है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। बात की जाए डायरेक्टर कौन है जी? तो दिनेश अरोड़ा है। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ थी? 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग इतना जाने, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन में मैं बता दूँ, जो भी मैं डाटा देता हूँ वो क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट है और उस सभी को आप लोग जरूर ही रिविजन कीजिएगा जी। सेफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेफ जो है आपको हमारी एक गवर्नमेंट संस्था है, जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए जी? तो राजीव मेहता चुने गए। कौन चुने गए जी? राजीव मेहता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ये हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रसद विकास समिति गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन है जी? तो विवेक देवराय। कौन है जी? तो विवेक देवराय है। पर आर्थिक सलाहकार परिषद क्या होता है जी? जो हमारे वित्तीय सहयोग है उसको हेल्प करने में क्या करता है जी? अपनी राय देता है हमारे गवर्नमेंट को जी। यहाँ पर देख सकते हैं अगला, लिंक्डइन द्वारा भारत के लिए राष्ट्र प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश नारायण को किया गया है। किसको किया गया जी? महेश नारायण को किया गया है। इस 7 जनवरी 2019 से अपना क्या करेंगे? पदभार संभालेंगे जी। 7 जनवरी 2019 से अपना पदभार संभालेंगे जी। लिंक्डइन बात की जाए तो आपको भी पता है लिंक्डइन क्या है जी? एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, जो क्या है हमारे समाज में एक दूसरे का कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह भी वैसे ही क्या है जी? हमारा एक लिंक्डइन क्या है जी? सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जो अपना हेल्प करती है जी। विश्व में ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए किस देश ने अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया जी? तो चीन ने किया है। आपको भी पता है पहला इसने सैटेलाइट, पहला संचार उपग्रह के लिए क्या किया जी? लॉन्च किया है। बात की जाए तो पहला सैटेलाइट चाइना का है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो चाइना क्या है? प्रथम है। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। शी जिनपिंग कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट है। ली क्यांग कौन है यहाँ पे? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जी। एरिया वाइज बात की जाए तो किसका सबसे ज़्यादा होगा जी? एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा जी। एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री वर्ल्ड में कौन सा है? आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं जी, हाल में ही किसे स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुरेश प्रभु। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी एफर्ट में, जो इलेक्ट्रिसिटी में सुधार किए हैं उसके एफर्ट के लिए क्या गया है जी? इनको सुरेश प्रभु को अवार्ड दिया गया है जी। तो आप देख सकते हैं इसके आंसर क्या हो गया? सुरेश प्रभु हो गया जी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वहाँ बेल आइकन क्लिक कर दें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं बात करना चाहूँगा तो आप देख लीजिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग
जो RRB ALP CVT 2 में जो क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स हैं मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जी। ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल जो है ORS वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सारे आपको वीडियो दे दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंजॉय योर लाइफ।